10 जून गुरुवार को बागली के ग्राम कमलापुर में चार बदमाशों द्वारा एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसका प्रकरण बागली थाने पर दर्ज कराया गया था, जिसके पश्चात पुलिस द्वारा चार आरोपियों में से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमलापुर चौकी प्रभारी रविंद्र डंडोतिया ने बताया कि 10 जून को कमलापुर निवासी युवक अल्ताफ पिता अब्बास अली पर नई आबादी कमलापुर में चार आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया था, जिस पर से थाना बागली पर अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया था। थाना प्रभारी बागली श्रीमती सुनीता कटारा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए 12 जून शनिवार को तीन आरोपियों को बागली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम सिकंदर पिता लियाकत अली कलू उर्ज रिटेक, सिकंदर पिता लियाकत अली कलू उर्फ मजहर पिता अबरार, सलमान पिता मुन्ना शाह सभी निवासी कमलापुर के हैं एवं एक आरोपी नब्बू फरार है। आरोपियों को बागली न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से तीनों आरोपियों को बागली जेल भेज दिया गया। हाट पिपलिया से दौलत मंसूरी की रिपोर्ट।